स्टडी हार्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक हमारा ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन, ये पहला पार्ट है जिसमें हम ज्योग्राफी के ऐसे 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ये 25 के 25 क्वेश्चन आपके एसएससी में या यूपीएससी में या बिहार पीसीएस में या आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए। पर इनमें जो प्रमुखता है, जो मतलब सीक्वेंस ऑर्डर है, वो आपका सबसे ज़्यादा उसमें जो क्वेश्चन पूछेगा वो एसएससी सीजीएल के हैं और उनका ईयर है 13, 14, 15 ऐसे है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन इसमें से आपके बिहार पीसीएस में पूछे गए हैं, आपके आईएएस में पूछे गए हैं, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक स्टडी हार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ मिलते रहें और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं, ठीक है। तो ये आपका एसएससी में 2014 में करीब ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर है कि आपकी व्यापारिक पवनें जो चलती हैं वो उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि सहारा रेगिस्तान में जो आपकी शुष्क पवन है जिसका नाम हरमट्टन होता है, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन दो तरह से भी पूछा जाता है कि सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन जो चलती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है हरमट्टन। अगर इस तरह से नहीं पूछा गया तो इस तरह से पूछा जाएगा कि सहारा रेगिस्तान में जो शुष्क पवन जिसका नाम हरमट्टन होता है वो कहाँ से कहाँ चलती है, तो उसकी जो दिशा होती है वो आपसे पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, ठीक है। ये भी आपके एसएससी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्यवहारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है, ठीक है। अब व्यवहारिक पवन एक पूरा टॉपिक है ज्योग्राफी में, व्यापारिक पवने, ठीक है। तो अगर आप पवन जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन दिखेगा कि व्यवहारिक पवने क्या होती हैं, ठीक है, और जो उनकी परिघटना होती है किस कारण से होती है। तो ऊष्मा का संवहन एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से व्यवहारिक पवनों की परिघटना होती है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि समुद्री सीमर बहती है, तो मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि समुद्री सीमर आपके किस समय बहती है, तो समुद्री सीमर आपके दिन के समय बहती है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया, ठीक है। हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस करे अभी तक, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, मतलब वायुमंडलीय हवा जो पृथ्वी पर आती है उसके पीछे रीज़न क्या होता है, तो उसके पीछे रीज़न होता है पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। तो उसके पीछे रीजन है पृथ्वी का घूर्णन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, ये भी आपका एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। और विक्टोरिया जलप्रपात आपका जो जिस नदी से संबंधित उसका नाम है जेम्बेजी, ठीक है। उसी तरह एक और अगला क्वेश्चन है कि नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है, तो आपका जो नियाग्रा जलप्रपात है वो ईरी एवं ओंटारियो, आपकी दो नदियां हैं, दो झीलें हैं, उनके बीच स्थित है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि नियाग्रा प्रपात आपका किस देश से संबंधित है, तो जो आपका नियाग्रा प्रपात है उसमें मैं दो क्वेश्चन पढ़ लिया कि वो तो आपका यूएसए देश से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 8 ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर सात में भी हम नियाग्रा जलप्रपात की बात कर रहे हैं कि वो किन दो झीलों के मध्य स्थित है, तो ईरी और ओंटारियो नामक दो झीलों के बीच स्थित है, ठीक है। तो हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अभी तक, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेटोस्फेयर पाई जाती है, बहुत अच्छा है, पर आपको यहाँ पे काम करना है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको यहाँ पे मैं काम दे रहा हूँ कि आपको वायुमंडल की संरचना जो वीडियो है वो आपको देखना है, ठीक है, वायुमंडल की संरचना कि उसमें कितनी परतें होती हैं, ठीक है, और उनका नाम क्या है, ठीक है, परतों के नाम, ठीक है, परतों के नाम आपको हिंदी में भी पता होने चाहिए और इंग्लिश में भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया है और ऐसे ही लिख के आया था कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, तो ट्रोपोस्फेयर आपको अगर हिंदी में पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर उसकी इंग्लिश नहीं पता होगी तो आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आपको आता है पर आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप परतों का नाम हिंदी के अलावा इंग्लिश में भी याद करें, तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि ओजोन जो परत होती है पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है, तो ओजोन परत आपके पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 11।
जड़ धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो जड़ धाराएं आपकी प्रायः शोव सीमा में पाई जाती हैं। और अब ये को देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजल 2014 में पूछा गया है कि वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है, 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 आपका एक ही चीज़ से क्लियर हो जाएगा, वायुमंडल की संरचना वाला वीडियो से, ठीक है। किस परत में क्या काम होता है, कौन सी परत का नाम क्या है, और कौन सी परत का हिंदी में नाम क्या है और इंग्लिश में नाम क्या है, तो ये वायुमंडल की संरचना से जितने क्वेश्चन हैं ये सब आपके इसमें ही कवर हो गए, ठीक है। अब बस आपको एक वीडियो देखना है या उसको सही से याद करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब ये देखिए, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ये मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया हुआ कि सौर प्रणाली की खोज आपकी कोपरनिकस ने की थी, ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर है 13, ठीक। सौर प्रणाली की खोज आपकी कोपरनिकस ने की थी और ये एसएससी सीजल 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बताइए कितना ईजी क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, क्वेश्चन नंबर 14, और ये भी एसएससी सीजल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, मतलब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से, कि पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि, ठीक है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पनामा नहर के बारे में पढ़ सकते हैं और स्वेज नहर के बारे में पढ़ सकते हैं। जब आप पूरा पढ़ लोगे तो आपको पता हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे डिफर क्यों है, क्योंकि आपकी पनामा नहर में लॉग प्रणाली पाई जाती है, ठीक है, इसलिए वो स्वेज नहर से डिफरेंट है, ठीक। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1914 में आपका पनामा नहर का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमने डिस्कस कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है, क्वेश्चन नंबर 17 कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है वो आपकी कहाँ है? अंटार्कटिका में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजल 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद महाद्वीप कैसे अलग हुए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बट हमें नहीं पता होता है। तो महाद्वीप आपके कैसे अलग हुए? वो विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं, ठीक है। आपको ये वर्ड पता होना चाहिए कि विवर्तनिक क्रिया से ही आपके महाद्वीप अलग हुए हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन नंबर ये आपको कौन सा 18, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी एशिया में स्थित है? ये आईएएस का क्वेश्चन है पर बहुत थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, पर आपको पता होना चाहिए कि अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है, तो वो आपका चिली में है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि मरुद्वीप क्या है, मतलब ओएसिस, जिसको इंग्लिश में हम ओएसिस कहते हैं, वो क्या है? तो वो बेसिकली आपका रेगिस्तान है। मरुद्वीप आपका क्या है? रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी एसएससी में आया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो पांचवा भाग उसका रेगिस्तान है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल क्वेश्चन। भारतीय मसल को क्या कहते हैं? आई होप ये सबको पता होगा, भारतीय मसल को हम थार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद तलका माकन मरुस्थल, ये मस्थल हो गया, ये मरुस्थल है, ठीक है। तलका माकन मरुस्थल किस देश में है? ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका चीन में स्थित है। उसके बाद दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो भी आपका थार है, क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही सरल है कि विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है वो है अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। और आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए है कि विश्व में सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा, ये आपको पता करना है। अगर आप पता कर लीजिए तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, एक बार जल्दी से हम लोग इसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं, 2 मिनट का काम है। व्यवहारिक पवने कहाँ चलती हैं? आपकी उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं, सारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन होती है और वो चलती है पूर्व से पश्चिम की ओर। व्यवहारिक पवनों की प्रकटना सबने पढ़ा, ऊष्मा का संवहन। समुद्री सीमर कहाँ बहती है? दिन के समय बहती है, ठीक है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर कैसे रखी जाती है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ से आपका? जेम्बेजी। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों भी बनता है? ईरी और ओंटारियो। नियाग्रा प्रपात है कहाँ पे? वो आपका बेसिकली यूएसए में है, ठीक है। सौर प्रणाली खोज बच्चों वाला क्वेश्चन सब लोग कर लेते हैं, गली के बच्चे कर लेते हैं। कोपरनिकस, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कहाँ है? एशिया। पनामा नहर स्वेज नहर से क्यों हुआ? क्योंकि आपकी पनामा नहर में लॉक प्रणाली है। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? वो आपका 1914 में हुआ था। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर का निर्माण 1914 और वो स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि पनामा नहर में आपकी लॉक प्रणाली पाई जाती है।
अगले क्वेश्चन ये हो गया, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर हमारा काम क्या है, परतों के नाम। ओजोन परत 20 किलोमीटर ऊपर, जेड धाराएं कहाँ, शोभ सीमा में कितनी परतें होती हैं, परतें होती हैं 5। पृथ्वी का स्थल पर कितना भाग रेगिस्तान है, 5वां। भारत में स्थल को थार कहते हैं, तिलकामाकन झील आपकी चीन में है, और दक्षिण का सबसे मरुस्थल थार है, शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा, और सबसे ठंडा मरुस्थल आपको पता करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, स्टडी आर्ट के साथ लगातार बने रहें, और कमेंट में अपने सजेशन ज़रूर दें, और उस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।